नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर ने हुजूर हाफिजे मिल्लत के दरबार में देर रात्रि हाजिरी लगाई और अमन व देश की शांति के लिए मजार पर चादर पोसी कर दुआएं मांगी और कहा कि हुजूर हाफिजे मिल्लत एक धार्मिक धर्म गुरु के साथ साथ समाज में एक मिसाल कायम करने वाले सूफी संत थे जिन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा की दिशाएं दी। इसके उपरांत सांसद मुबारकपुर कस्बे के समाज सेवी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में सुमार सुनील कुमार वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र सात्विक के विवाह के पूर्व संध्या पर आशीर्वाद दिया। मीडिया के एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि गोलियों के नोक पर सरकार ने उपचुनाव जीता है लेकिन जनता हमारे साथ है। ये जनता का नहीं लूट का परिणाम है। लोगों में इन दिनों पूरी तरह से भय व्याप्त है। प्रदेश के कई स्थानों पर हालात ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सवाल पर कहा कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है, शास्त्री जी से नहीं। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। कोई भी सरकार के खिलाफ मुख खोलने को तैयार नहीं है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद जिया उल्लाह अंसारी, सपा नेत्री सना परवीन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव, डॉक्टर गौरव यादव, अनिल यादव आदि उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। उसमें मुझे आने का मौका मिला। साथ ही सुनील वर्मा जी जो हमारी पार्टी के बहुत सक्रिय और समर्पित साथी हैं, उनके बेटे की भी शादी में आने का मौका मिला। और भी कई कार्यक्रम हैं, अभी यहाँ से जाएंगे, जमाली साहब का भी निमंत्रण है, तो इसी बहाने बहुत सारी जगह आने का मौका मिला। और क्षेत्र में यही सब चीज़ें होती हैं, भाईचारा अपनापन रिश्ते निभाने का यही तरीका है। सर, उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी को इस बार संतोषजनक सीटें नहीं मिली, इस पर क्या नजरिया देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को तो एक तरफा जनता का समर्थन प्राप्त था, है और रहेगा। ये उपचुनाव में वोटों की लूट की गई है सत्ता पक्ष की ओर से। आपने वीडियो देखे होंगे कैसे गोली की नोक पे वोटरों को रोका गया, कैसे बिना ही वोटर को बूथ तक जाए कुदरकी के सारे वोट पड़ गए। चुनाव के दिन कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां बीजेपी के लोग 10-10 15-15 गाड़ियों के जुलूस लेके पोलिंग डंप न किए। ये परिणाम जनता का परिणाम नहीं, ये लूट का परिणाम है। सर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा हिंदू सब इकट्ठा हो जाए और वो सनातनी के लिए एक यात्रा निकाले हैं कि हिंदू हिंदू से बिजनेस करे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे लोग को आप भी जानते हो और हम भी समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम उन बातों में नहीं जाते, कौन क्या कह रहा है हर आदमी के मैं जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा, जिस संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता की बात कही गई हो, सबको समान न्याय हक अधिकार जो सब दिए गए हैं उससे ये देश चलेगा। कौन क्या कह रहा है, किस नियत से कह रहा है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रहा है, इन बातों में मुझे जाने की जरूरत है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।